हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप नंबर 7 विच इज रिलेटेड विद मेजरमेंट ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट्स। सो लाइक वी नो दैट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, सो व्हाट हैपेंस, बिजनेस कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ऑन एक्विजिशन डेट। एंड एक्विजिशन डेट इज डेट व्हेन एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एक्वायरिंग एंटिटी। So what is the meant by now measurement of period? So sometimes what happens on acquisition date, so when acquirer company recalls assets and liabilities of acquiring company, which is also known as when assets and liabilities, so as well as consideration, which is payable by acquirer to acquiring company, so is recognized so in books of acquirer company, so some assets and liabilities value cannot be determined properly because there are some circumstances which are not yet settled. It means we can say that so value of so some of its assets so or liabilities so is recognized on a provisional basis. So provisional basis means acquirer is not sure of value of asset or liability because there are some circumstances which are not yet settled. So in that case what happens, so we can make adjustment to value of these assets or liabilities during measurement period. And this measurement period is up to 12 months from acquisition date. So it means in that case our rule is the value of so assets or liabilities so which may change so due to so circumstances, but in this case we consider only those circumstances which appear as on acquisition date. It means which may change due to circumstances which so exist so as on acquisition date. जो सर्कमस्टांसेज आपके अपीयर हो रहे हैं एज एन एक्विजिशन डेट, उनमें देखिए कोई चेंज आता है और उसके बेस पर आपकी वैल्यू ऑफ एसेट को लाइबिलिटी भी आल्सो चेंज, सो इसको आपने एडजस्ट करना है। सो इट विल बी एडजस्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली टू वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी को, आपने उसको एडजस्ट करना है एसेट की वैल्यू में या लाइबिलिटी की वैल्यू में, एंड टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जब आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री पास की थी एज एन एक्विजिशन डेट, उस टाइम जो भी डिफरेंस था आपका वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाता है। इट मीन्स अब जो भी वैल्यू आपकी चेंज होगी, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी, उसको आपने रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देना है इन गुडविल और कैपिटल रिजर्व में। रिट्रोस्पेक्टिवली मीन्स जो जिस ईयर में आपकी एक्विजिशन हो रही है उसी ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको एडजस्ट करेंगे, बट दिस एडजस्टमेंट इज अलाउड ड्यूरिंग मेजरमेंट पीरियड। मीन्स यदि आपकी ये कोई चेंज अप्लाई हो रही है ड्यूरिंग मेजरमेंट पीरियड, तो आप देखते हैं मेजरमेंट पीरियड क्या है। मेजरमेंट पीरियड है अब आपका अपटू 12 मंथ्स फ्रॉम एक्विजिशन डेट। सो वी कैन राइट हियर व्हाट इज मेजरमेंट पीरियड। सो मेजरमेंट पीरियड इज अपटू 12 मंथ्स फ्रॉम एक्विजिशन डेट। देखो बेसिक रूल क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन अराइव होता है एक्विजिशन डेट पर, तो उसके एक्विजिशन डेट होकर जब हमें कंट्रोल मिल रहा है उस टाइम हम अपनी बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं एक्वायरर की बुक्स में, और गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है जो भी डिफरेंस होता है हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू में और जो कंसिडरेशन है आपका। बट अब यदि कुछ ऐसे कोई लाइबिलिटीज़ आपने रिकॉग्नाइज किए हैं प्रोविजनल बेसिस पर, इट मीन कुछ आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है किसी नो नॉन को 100% श्योर नहीं है हम, तो उसको हम कहते हैं प्रोविजनल बेसिस। तो उस केस में वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी आपकी चेंज हो सकती है ड्यू टू वीक सर्कमस्टांसिस जो आपके अपीयर हो रहे थे एज एन एक्विजिशन डेट। अब उससे जो चेंज आएगा ऐसे के लाइबिलिटी की वैल्यू में, उसको आपने एडजस्ट करना है रिट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि उसी ईयर में एडजस्ट करेंगे जिस ईयर में हमारी हुई थी एक्विजिशन बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रिवाइज करेंगे और एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और जो डिफरेंस है जो भी आप चेंज कर रहे हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पर कोई भी चेंज जो आपकी आफ्टर
मेजरमेंट पीरियड हो रहा है या जिससे सर्कमस्टांसेस अपीयर नहीं हो रहे कि एक्विजिशन डेट पर, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पी आई एल में। तो उसका भी रूल मैंशन कर रखे हैं। इट मीन्स नेक्स्ट रूल इज, सो एनी चेंज सो इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज विच टेक्स प्लेस, जो भी चेंज आपका अराइव हो रहा है टेक्स प्लेस सो आफ्टर मेजरमेंट पीरियड, जो आफ्टर मेजरमेंट पीरियड है और हुज फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेज सो वर नॉट अपियरिंग ऑन एक्विजिशन डेट। तो इस टाइप की जो भी आपने एडजस्टमेंट करनी है, जो भी चेंज आएगा आपका इन वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज में, तो इसको आपने एडजस्ट करना है प्रोस्पेक्टिवली इन द दैट ईयर जिसमें चेंज आ रहा है एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पी आई एल। इट मीन्स इसका बेसिक रूल है इट विल बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिव हो क्या कि पिछले साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे, ये प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा इन दैट ईयर। तो वैन चेंज टेक्स प्लेस, तो जिस ईयर में चेंज आपकी अराइज हो रही है, वैन चेंज टेक्स प्लेस और जो भी अमाउंट है आपका एंड द अमाउंट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल। और इस चेंज को हम गुडविल या कैप्चर ईयर में एडजस्ट नहीं करेंगे, अब ये आपकी एडजस्ट होगी एंड अमाउंट इज एडजस्टेड टू पी एंड एल, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट मानी जाएगी पी एंड एल अकाउंट में। उसमें सबसे पहले आगे को आपको क्वेश्चन में चेक करना है एक्विजिशन डेट क्या है, फिर उसके बेस पे 12 मंथ्स आपके कंसीडर हो जाएंगे मेजरमेंट पीरियड के, उसमें कोई चेंज आ क्या है ऐसे के लाइबिलिटी की वैल्यू में, और वो भी होना चाहिए क्योंकि सर्कमस्टांसेस विच वर अपीयरिंग ऑन एक्विजिशन डेट, उसको आपने रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है उसी साल में जिस साल में बिजनेस कॉम्बिनेशन अराइज हुआ था आपका, और आपने ऐसे के वैल्यू लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज करेंगे और रिजल्टिंग डिफरेंस आ जाएगा आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। बट यदि कोई चेंज आता है आफ्टर मेजरमेंट पीरियड या जिसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अपीयर नहीं हो रहे कि एक्विजिशन डेट पे, तो उससे जो चेंज आएगा ऐसे क्या लाइबिलिटी की वैल्यू में, उसको आपने एडजस्ट करना है पी एंड एल अकाउंट में, तो इसमें इससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपका अफेक्ट नहीं होगा। तो इसके बेसिक एग्जाम्पल करके हैं, उससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल नंबर 54 जिसमें देखिए आपको मेंशन किया है एंटिटी एक्स एक्वायर्ड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ एंटिटी वाई ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हैड कंप्लीटेड अ प्रीलिमिनरी परचेज प्राइस एलोकेशन एंड अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग नेट एसेट्स रुपीज 100 मिलियन अगेंस्ट परचेज कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 150 मिलियन। एंटिटी वाई हैड सिग्निफिकेंट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ऑन विच डेफर्ड टैक्स एसेट वाज नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू लैक ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस ऑन द एक्विजिशन डेट। तो एक्स एंटिटी ने देखो क्वेश्चन आपको मेंशन किया है, एंटिटी एक्स है इसने एक्वायर किया है 100% बिजनेस एंड इक्विटी ऑफ एंटिटी वाई सो एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इट मीन्स और उस टाइम आपको ये मेंशन किया है तो जो कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू है अब आपकी रुपीज 150 मिलियन और जो नेट कैसेस आपने एक्वायर किए हैं उसकी वैल्यू है रुपीज 100 मिलियन। इट मीन्स रुपीज आपके चल रहे हैं मिलियन में, रुपीज आ रहे हैं मिलियन और 1 मिलियन में होते हैं रुपीज 10 लैक्स। अब देखो क्या एंट्री बन जाएगी इस केस में, इनका बुक्स ऑफ एंटिटी बी एंटिटी ए बुक्स ऑफ एंटिटी ए, तो आपकी एंट्री बन जाएगी नेट कैसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो आपका गुडविल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो किसी ये 100 एंड कंसीडरेशन 150 मिलियन, सो इतनी डिफरेंट गुडविल आ जाएगी आपकी 50। अब एक आपको मेंशन किया है वाई के कुछ लॉसेज चल रहे हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, बट उनका जो है कन्विंसिंग एविडेंस नहीं था, तो उसके लिए हमने कोई डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉग्नाइज नहीं की है। तो वैकल डेफर टैक्स एसेट उनका एफोर्स है कि लॉसेज कैन बी एडजस्टेड विद द गुडविल रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी परचेज प्राइस एलोकेशन इन द फ्लोइंग सिनेरियोज। अब आपको दो सिनेरियोज दिए हैं, तो आपको देखना है कि उस केस में हमें डेफर टैक्स एसेट की क्रिएट करनी है वो किस तरीके से होगी। केस नंबर ए, तो केस ए में देखो आपको मेंशन किया है एंटिटी वाई है कि अब नॉर्मली क्या होता है जब आपके लॉसेज होते हैं, जब हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो सेटअप हो जाते हैं फ्यूचर इनकम से। तो देखिए आपको सर्च निकली है कि आपका लॉस सेटअप हो जाएगा फ्यूचर में, तो उसके बेस पे आपको मिलेगी टैक्स सेविंग और हम क्रिएट करके हैं डेफर्ड टैक्स एसेट।
पर इस केस में देखो नंबर ए, केस ए में मेंशन किया है एंटिटी वाई हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी जेड ऑन 1 अप्रैल विच बुक जनरेट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। अब जो एंटिटी वाई थी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था एंटिटी जेड के साथ 1 अप्रैल को, जिस डेट को आपकी एक्विजिशन हो रही है, जिसी अगर एक्विजिशन गए तो ऑन 1 अप्रैल एंड इट विल जनरेट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम बट कॉन्ट्रैक्ट एजेंट किसकी होगा, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था एंटिटी जेड से जिसके बेस पर फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, पर वो भी डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसका मीन सर्कमस्टेंसेस ये हमारे एग्जिस्ट करके गए कि आपको बेनिफिट हो सकता है। बट नाउ एट एंगो करंट ईयर एज ऑन 31 मार्च, अब ये ईयर देखो आपका एंग हो गया है 31 मार्च को, बीजे जो 12 मंथ्स हैं विद इन 12 मंथ्स में, तो एंटिटी वाई वन का कॉन्ट्रैक्ट विच विल जनरेट सफिशियंट कैश फ्लो को रिकूप द लॉसेज, इट मीन्स अब आपको मैंशन किया है सो एज ऑन 31 मार्च विच इज एंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड दिस इज विद इन 12 मंथ्स, ये जो आपकी सेटलमेंट हो रही है विद इन 12 मंथ्स में हो रही है। अब आपको सर्टेनिटी हो गया है कि जो वाई एंटिटी वाई है उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट वन कर लिया है इन फेवर ऑफ फ्रॉम एंटिटी जेड, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इट मीन्स इट इज गिवन जैक एंटिटी वाई सो हैज वन का कॉन्ट्रैक्ट और उसके बेस पर आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो जब बेनिफिट मिलेगा तो आपके जो लॉसेज हैं वाई के वो आपके सेटअप हो जाएंगे, तो जब वो सेटअप होंगे उससे हमें टैक्स बेनिफिट जो मिलेगा उसको आप क्रिएट कीजिए डेफर टैक्स ऐसे को, तो इट मीन्स नाउ वी हैव टू क्रिएट डेफर टैक्स ऐसे को। अब आपको ये चेक करना है क्या ये मेजरमेंट पीरियड की एडजस्टमेंट मानी जाएगी। अब इसके दो केस हैं, एक तो ये आपकी जो सेटलमेंट हो रही है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट वन किया है सरकमस्टेंसेस जो थे वो आपके विद इन 12 मंथ्स में सेटल हो गए हैं, सेकंड उसके सरकमस्टेंसेस एग्जिस्ट हो रहे थे 1 अप्रैल को क्योंकि एंटिटी वाई के पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था एंटिटी जेड से थ्रू जो डिस्प्यूट में चल रहा था, तो उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सो देयरफॉर इट इज मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट, ये आपकी मेजरमेंट के पीरियड की एडजस्टमेंट मानी जाएगी। अब आपने एंट्री डालनी है इसी डेट को 1 अप्रैल को ही हम इसकी एंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में रिट्रोस्पेक्टिवली, तो जब आप डेफर टैक्स ऐसे क्रिएट करेंगे आप देखो कितना लॉस आपको मेंशन किया है जो लॉसेज हैं आपके, तो जिसे जो जीवन को भी ₹20 मिलियन लॉसेज हैं आपके, तो इट मीन्स आपकी एंट्री बन जाएगी डेफर टैक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड, जैसे 20 मिलियन के लॉसेज हैं जिसे लॉस और उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है और आपको टैक्स रेट भी मेंशन किया है, टैक्स रेट इज 30%, सो टैक्स रेट है आपका 30%, इट मीन्स 6 लाख की 6 मिलियन की आपने जीटी क्रिएट करनी है, कि जब आप देखो ऐसे इंक्रीज करोगे उससे गुडविल रिड्यूस हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा गुडविल पे, वो गुडविल अकाउंट ऑफ 6 मिलियन, ये आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। पर एक आपको केस बी भी किया है इसमें, नेक्स्ट के लेकर से केस बी, इसमें जो को मेंशन किया है एट एंगो करंट ईयर ऑन 31 मार्च एंटिटी वाई वन ने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट विच एक्सपेक्ट टू जनरेट एनफ टैक्सेबल इनकम टू रिकूप द ओसेज। अब इसमें ये मेंशन किया है कि 31 मार्च हो मीन्स एट एंगो करंट फाइनेंशियल ईयर, वो एक को था कि वाई के पास एंटिटी जेड का कॉन्ट्रैक्ट था पहले केस में, पर इसमें आपको मेंशन किया एंटिटी वाई वन ने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब एंटिटी वाई को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एंटिटी वाई गेट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और जिसके बेस पर इसको मिलेंगे फ्यूचर में बेनिफिट्स और उस बेनिफिट के अगेंस्ट हम अपने जो लॉसेज हैं वो सेटअप कर सकते हैं, तो सिंस दिस इज ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स इसके जो सरकमस्टेंसेस थे आपके सरकमस्टेंसेज डू नॉट अपीयर ऑन एक्विजिशन डेट, ये जो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है इसका कोई सरकमस्टेंस नहीं था आपका एज ऑन एक्विजिशन डेट डू नॉट अपीयर ऑन एक्विजिशन डेट, तो इसके अगेंस्ट जब आप अपने लॉसेज को सेटअप करेंगे तो इट मीन्स वेदर की मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट और नोट इट मीन किसी नोट मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट, तो ये आपकी मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट नहीं मानी जाएगी नोट मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट, तो इसको फिर जब आप डेफर टैक्स ऐसे क्रिएट करेंगे उसका जो भी अमाउंट होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी जो एंट्री बन जाएगी आपकी, उसकी एंट्री जो आपको शो करनी है प्रोस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च, दिस विल बी डेफर के टैक्स ऐसे के अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
अब इसको हम गुडविल में एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे नोट मेजरिंग पीरियड एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसके कोई सर्कमस्टेंसेस अपीयर नहीं हो रहे थे एज इन एक्विजिशन डेट। अमाउंट सेम है आपका, आपको मेंशन किया 20 लाख का लॉस है, 30% आपका टैक्स रेट है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट आपकी क्रिएट हो जाएगी 6 मिलियन की, अमाउंट आपका सेम है। तो ये सेम एग्जाम्पल हमने लिया है फ्रॉम स्टडी मटीरियल ऑफ ICAI। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 55, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड मर्ज इनको ए बी लिमिटेड रिव्यू की फैक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनी फॉलो द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, आपको यूको मेंशन किया है आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है आपका एंड किसी के बारे कैलेंडर ईयर, इट मीन्स ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से एंड इट विल एंड ऑन 31 दिसंबर, ये आपका फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। पर आपको मेंशन किया है ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज इनको ए बी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, सो एज ऑन 1 अक्टूबर, सो ए एंड बी दे हैव मर्ज इनको ए बी लिमिटेड दिस इज ऑन 1 अक्टूबर, इट मीन दिस इज ब्रेक ऑफ अवर बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो ए बी लिमिटेड कुड नॉट कंप्लीट द इनिशियल अकाउंटिंग फॉर मर्जर एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, तो जब आपका ईयर एंड हो रहा है then we could not complete our accounting for business combination accounting for a short mail mention kar rakhe hai business combination is not completed, so isne bolta hai ki kuch assets aur liabilities ki value jo hai wo aapki certain nahi hai kyunki kuch circumstances hai wo abhi satisfy nahi hue hai ya settle nahi hue hai, so it means us case mein hum assets aur liabilities ko recognize karke provisional basis pe, उस केस में कहते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन इज नॉट टू कॉम्प्लिकेट उस अकाउंटिंग। नाउ वी आर आस्किंग हाउ वर कैन एस्टिमेट की वैल्यूज ऑन ए प्रोविजनल बेसिस, एडवाइज की कंपनी ओन वेदर कैन यूज प्रोविजनल वैल्यूज इन अकाउंटिंग फॉर मर्जर, तो वी आर आस्किंग क्या हम प्रोविजनल वैल्यूज यूज कर सकते हैं इन अकाउंटिंग फॉर मर्जर, सो अवर रूल इज सो यस एज ऑन एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन बी डन ऑन प्रोविजनल बेसिस, आप प्रोविजनल बेसिस पे कर सकते हैं इफ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेज सो फॉर इवेंट्स अफेक्टिंग वैल्यूज ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज वीज आर नॉट सेटल्ड, जो भी सर्कमस्टांसेज है वो यदि आपके सेटल नहीं होते हैं तो उस केस में आप प्रोविजनल अकाउंटिंग जो है उस बेसिस पर आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इट मीन्स एंड इट विल बी एडजस्टेड, तो जो भी चेंजेज आएंगे द चेंजेज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज सो विल बी एडजस्टेड, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली बिगिन मेजरमेंट पीरियड विच इज अपू 12 मंथ्स, उसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो चेंज होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए विदिन मेजरमेंट पीरियड एंड किसी जो ऑफ 12 मंथ्स, और ये स्टार्ट हो जाता है आपका फ्रॉम एक्विजिशन डेट, और जो भी डिफरेंस आएगा आपका वो आपका एडजस्ट हो जाएगा गुडविल और कैपिटल फिगर में, डिफरेंस इज एडजस्टेड टू शोर्ट में ले लेते हैं गुडविल और कैपिटल फिगर। इतनी सही है क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल का, गैर आस्किंग व्हाट इज रूल फॉर एडजस्टमेंट इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी देखिए गन ऑन प्रोविजनल बेसिस। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 56, इसमें देखिए मेंशन किया आपको ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ए लिमिटेड सीक्स एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी एक्वायर्ड इन द कॉम्बिनेशन एंड द वैल्यूएशन वाज नॉट कंप्लीट बाय द टाइम ए लिमिटेड ऑथराइज द इशू ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर एंडेड 31 मार्च, तो करंट ईयर में 1 अक्टूबर को आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है और 31 मार्च को आपकी जो वैल्यू थी मशीनरी की वो आपकी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं हुई है एंड इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट रिकॉग्नाइज प्रोविजनल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ ₹2 करोड़ एंड गुडविल फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन वाज रिकॉग्नाइज एट 3 करोड़, तो हमने एक प्रोविजनल वैल्यू रिकॉग्नाइज कर दी है ऐसे मशीनरी की और गुडविल में ट्रांसफर हो गया डिफरेंस 3 करोड़। सो 8 मंथ्स आफ्टर एक्विजिशन डेट ए लिमिटेड रिसीव इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन विच एस्टिमेटेड मशीनरी एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू 3 करोड़, अब
आफ्टर 1 मंथ से आपको पता लगता है कि जो वैल्यू है मशीनरी की वो है 3 करोड़ की। एडवाइज ये लिमिटेड ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज मशीनरी से फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इग्नोर कैपिटलेशन, आपने कैपिटलेशन को इग्नोर करने है। तो आप देखो मैंशन किए हैं आपको करंट फाइनेंशियल ईयर है आपका एक स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। एक्विजिशन डेट आपको मैंशन की है 1 अक्टूबर एंड व्हेन। सो ए है एक्वायर्ड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अराइव हो गया है, तो उसके बेस पर हमने एसेट की वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया है, मशीनरी को, मशीनरी की वैल्यू रिकॉग्नाइज हो गई है ₹2 करोड़। और उसके बेस पर आपकी गुडविल भी अराइव हो गई है जो आपने एंट्री डाली है बिजनेस कॉम्बिनेशन की। सो गुडविल है अराइज बाय ₹3 करोड़। अब आपको मेंशन किया है फ्रॉम दिस एक्विजिशन डेट आफ्टर 1 मंथ से, जो कि मशीनरी की वैल्यू है ये प्रोविजनल वैल्यू है। सो आफ्टर 1 मंथ नाउ वी रिसीव इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी विच इज एस्टिमेटेड गैट एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू की ₹3 करोड़। तो आफ्टर 1 मंथ नाउ वी गेट फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी वो भी ₹3 करोड़। उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, करंट ईयर को आपका ये एंग हो गया है तो नेक्स्ट ईयर में आपको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है। तो पहले आप चेक कीजिए बिगिन 1 मंथ में एडजस्टमेंट हो रही है, एक मीन्स जिस बिगिन मेजरमेंट पीरियड है आपका अपू 12 मंथ फ्रॉम एक्विजिशन डेट, एक मीन जिस रिट्रोस्पेक्टिव आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके फाइनेंशियल ईयर का करंट है तो इसी की बुक्स में हम रिवाइज करेंगे अपनी एंट्री को, जिसे जो करंट फाइनेंशियल ईयर देखिए जो एंडिंग 31 मार्च एंड नोट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जो करंट चल रहा है आपका जो दिया है उसमें देखो क्या एडजस्टमेंट होगी, मशीनरी की वैल्यू आप इंक्रीज कर दीजिए, मशीनरी काउंट ज्यादा की। जब आप ऐसे की वैल्यू को इंक्रीज करोगे जो गुडविल आपने ज्यादा की थी इसमें गुडविल की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट। तो किसी क्वाइट सिंपल कितना चेंज आ रहा है 3 करोड़ माइनस 2 करोड़ बाय 1 करोड़ रुपीज यहाँ पे करोड़ से, तो 1 करोड़ से दोनों की वैल्यू जो है एडजस्ट हो जाएगी मशीनरी आएगी गुडविल। नेक्स्ट लेके सी एग्जांपल 57 जिसमें जो को मेंशन किया है ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ए लिमिटेड सीक्स एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी एक्वायर्ड इन कॉम्बिनेशन एंड द वैल्यूएशन वाज नॉट कंप्लीट बाय द टाइम, ए लिमिटेड ऑथराइज द इशू ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर एंडिंग 31 मार्च। सो इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट रिकॉग्नाइज प्रोविजनल फेयर वैल्यू पैसे के ₹2 करोड़ एंड कैप्चर रिजर्व विच बार्गेन परचेज गेन बाय रिकॉग्नाइज एट ₹1 करोड़। एक्ट एक्विजिशन डेट आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। तो पहले देखो करंट फाइनेंशियल ईयर आपको मेंशन किया है जिस ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड इट इज गिवन बिजनेस कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, ए ने एक्वायर किया बी को ऑन 1 अक्टूबर। सो ए एक्वायर्स बी लिमिटेड और उस टाइम आपने एक मशीनरी की वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया है अपनी बुक्स में, तो गेट इज ₹1.2 करोड़ मशीनरी रिकॉग्नाइज बाय ₹2 करोड़ और एक आपने बार्गेनिंग परचेज गेन रिकॉग्नाइज किया है विच इज कैप्चर रिजर्व ऑफ ₹2 करोड़ सॉरी 1 करोड़ कैप्चर रिजर्व इज 1 करोड़। और जो लाइफ दी थी आपको मशीनरी की इसमें एज ऑन 1 अक्टूबर को एक्विजिशन हो रही है, सो एज ऑन दिस डेट लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 ईयर्स। नाउ देयर सेइंग है कि 1 मंथ आफ्टर एक्विजिशन डेट आफ्टर 1 मंथ ए लिमिटेड रिसीव द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन विच एस्टिमेटेड द मशीनरी एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ₹3 करोड़। एडवाइज ए लिमिटेड ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज मशीनरी फेयर वैल्यू इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आपका देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड विदिन 8 मंथ फ्रॉम एक्विजिशन डेट, विदिन 8 मंथ फ्रॉम एक्विजिशन डेट अब अपने को मशीनरी की फेयर वैल्यू है उसको रिवाइज कर दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज एस्टिमेटेड सो एज ₹3 करोड़ जिसे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन अब आपको रिसीव हो गई है। इट मीन्स मशीनरी की जो आपने वैल्यू रिकॉग्नाइज की थी ये प्रोविजनल बेसिस पे थी, अब आपकी फाइनल वैल्यू है 3 करोड़
तो ये एडजस्टमेंट हो रही है विद इन 8 मंथ्स में, विच इज कॉल्ड ड्यूरिंग मेजर बैंक पीरियड, तो उसको आपने रिक्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करनी है। तो एक तो हम जो पिछले साल जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम एक एडजस्टमेंट करेंगे 31 मार्च को, पहले किसी फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको रिक्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है, रिक्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। तो आप देखिए आपकी मशीनरी की वैल्यू जो है वो हम इंक्रीज कर देंगे 1 करोड़ से, तो उसका इफेक्ट पड़ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व के ऊपर। बट अब आपने इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज की है, अब देखो पुरानी कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में, सो ओल्ड डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज की है तो 2 करोड़ के ऊपर आपने चार्ज की होगी, 5 साल की लाइफ है। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च हो गया आपके 6 मंथ से, तो आपको लेनी है 6 मंथ की, सो 2.5 ये 1 साल की आ जाएगी, तो उसको कर दो 6 मंथ्स के लिए। सो जिसे कि बिकमिंग ये करोड़ में चल रहे हैं फिगर 2/5/2, जिसे 0.20 करोड़। अब आप देखिए नई कैलकुलेशन के लिए आप चार करते हैं, तो अब वैल्यू हो गई है 3 करोड़, उसको 5 से डिवाइड कीजिए लाइफ, और वो भी कैलकुलेट कीजिए 6 मंथ की कितनी बनती है, जिसे 3/5/2, जिसे 0.3 करोड़। तो आपकी डेप्रिसिएशन भी आपने इंक्रीज करनी है, आपका कितना इंक्रीज हो रहा है डेप्रिसिएशन में, जिसे 0.10 करोड़। उसमें से देखो मशीनरी की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं 3-2 1 करोड़, जिसमें से आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है 0.10 करोड़। तो नेट हम मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 0.90 करोड़ से, बाकी डेप्रिसिएशन है और उसको एडजस्ट करेंगे कैपिटल गेन में। तो देखें क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी इसमें, तो अपने रिक्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जिसे कि एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंट्री बन जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट जारी की। देखो मशीनरी की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है 3-2, और उसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन है 10, इसका मतलब है 0.90 की डेप्रिसिएशन अकाउंट जारी की, डेप्रिसिएशन चली जाएगी आपकी P&L में, जिसे एडिशनल डेप्रिसिएशन 0.10 करोड़, 2 कैपिटल गेन। गो इंक्रीज आप गो इंक्रीज भी कर रखे हैं, पहले कर लीजिए मशीनरी को कैप्चर रिजर्व, ये बन जाएगी 1 करोड़ से, जिसे जो 1 करोड़, फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट, वो आपकी P&L में ट्रांसफर हो जाएगी, हमने कर दिया कंबाइंड एंट्री। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था, इसमें इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ पॉइंट भी आ गया। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट स्टेप नंबर 7, विच इज मेजरिंग पीरियड एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन विद सम एग्जांपल्स है, पर के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।